गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज द फादर एंड द क्वेल्स। दिस स्टोरी टेकन फ्रॉम जातका टेल्स। एक हंटर और उन क्वेल्स की स्टोरी है। क्वेल इज अ टाइप ऑफ बर्ड। इसमें इस कहानी में एकता पर बल दिया गया हुआ है। इस कहानी में जो शिक्षा निकलती है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूनिटी इज अ ग्रेट वर्चू। A man cannot do anything alone unless he works with others. अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। टीम वर्क एंड कोलाब्रेशन मेक्स अस अचीव और एम विद ग्रेट ईज। जब हम मिलकर काम करते मिलकर काम करो ऐसा को बड़ मुश्किल कर मुश्किल काम करे। There is an old saying that the five fingers of a hand are not alike, but the power of the fist which brings the five fingers together is immense. कहते हैं कि जब मुट्ठी अलग अलग हम उंगलियों को देखेंगे उंगजन पांचन उछो अच्छी कहा ताकत मगर मुठ्ठी बनाओ मोठ बटो तेजी बारे ताकतफुल बना। The maid that made the great poet Shakespeare say, "We know what we are, but we know What we may be. हम जानते हैं हम क्या, लेकिन हम क्या हो सकते ये नहीं जानते हम। If we cooperate with each other, no one will be able to break us. अगर हम एक के साथ तालमेल से काम करेंगे हमें कोई नहीं तोड़ेगा। But if we quarrel among ourselves, our enemies will take एडवांटेज ऑफ दिस एंड डिफीट अस। हम अगर एक नहीं होंगे अलग अलग रहेंगे तो हमारे दुश्मन हमें हरा देंगे। तिम गसन है जोर। ये कहानी अब हम आपको बताएंगे। इसकी समरी में एक बार क्या था, क्वेल्स के झुंड ना वो रहते थे हर्ड ऑफ मेनी थाउजेंड्स क्वेल्स जंगल में रहते थे। Father who caught quails came to the place he used to intimate the note of the quail still. उनको पकड़ने आता था शिकारी, उनकी आवाजें निकालता था। He flung net उनके ऊपर जाल डालता था। We put the sides of the net together so as to get the handle in the heap और उनको ढेर के ढेर लेके उड़ा जाता था। फिर एक दिन उनमें से एक बोलता है कि हम करेंगे इसका मुकाबला करेंगे। वो उनका लीडर उनको बोलता है कि हम एक साथ जोर उठाएंगे मिलकर नेट को ले जाएंगे उठा के। फिर किसी कांटेदार श्रब पर बैठेंगे जैसे रोज प्लांट में कांटे वगैरह होते तो काट देंगे तो वो जो है फादर हार जाएगा। इस तरह तो वो क्या करते हैं, वो उसको जब उनको काट जाल बिछाने आता है वो जाल में फंस जाते हैं। लेकिन उनका लीडर के कहने पर वो सारे उड़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाके किसी कांटेदार उस पर बैठ के वो काट देते हैं जाल। तीन चार पर बेहान थे जाल छाना ठीक है। तो इस तरह से वो खाली हाथ चला गया वापस। ऑन द मोरो द फॉलोइंग डेज द कॉइल्स प्लेड दिस नहीं हो रहा है साहब अब क्या करूं। सो वो खाली हाथ जाने लगा। उन्होंने उसकी जो ट्रुक है वो क्या किया, लीडर की ट्रुक आजमाई। उन्होंने मिलकर जोर लगाया और जाल उसको हरा लिया। वो जब घर गया वो हंटर तो उसके घर वालों ने बोला तुम रोज रोज अब खाली क्यों आने लगे हो। तो उसने बोला कि उसकी बीवी ने बोला कि तो क्या तुमने हमारे लिए कोई और अरेंजमेंट ढूंढ के रखा है। बोलता नहीं मैंने कोई और अरेंजमेंट नहीं। और वो समझदार हो गए है। नो माई डियर सर द फादर आई हैव नो सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप। द फैक्ट इज दैट द क्वेल्स हैव कम टू द वर्क टूगेदर नाउ। वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो नेट उड़ा के ले जाते हैं और फिर फ्री हो जाते हैं उसमें से थॉर्न ब्रेक पर उसको काट के उसमें से फ्री हो जाते हैं। आई शेल बैक। लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं चले, उनकी एकता नहीं रहने वाली है। और मैं जल्दी ही आई विल ब्रिंग स्माइल टू यूर फेस। अब जल्दी हम खाली हाथ नहीं, हमारे घर में फिर से खुश आ जाएंगे उनको पकड़कर। तो क्या होता है, नॉट लॉन्ग आफ्टर द वन ऑफ द क्वेल्स इन अलाइटिंग ऑन द फीडिंग ग्राउंड
ट्रॉड बाय द एक्सीडेंट अपॉन द अदर्स हेड. एक दिन क्या होता है, अचानक टक्कर लग जाती है एक दूसरे को और वो लड़ने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं. कितने सारे बच्चे देखते हैं, पानी भी क्या थे, वो एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं. अचानक से उसको टक्कर बच जाती है तो दूसरा वो बोलते हैं द फॉलर विल गेट दिस लिफ्ट ऑफ द नेट एंड देयरफॉर दे विल कम टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन. वो उनका लीडर उनको समझाता है अगर हम ऐसे लड़ते रहेंगे आपस में तो हम सेफ नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है. फादर को फिर से मौका मिल जाएगा हमें पकड़. द फादर विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई कैन से स्टे हियर नो लॉन्गर, मैं यहां नहीं रह सकता आपके साथ. एंड देयर अपॉन विद द फॉलर वेंट एल्सवेयर, वो कहीं और उनका लीडर चला गया. श्योर एनफ द फॉलर केम बैक अगेन अ फ्यू डेज लेटर एंड फर्स्ट कलेक्टिंग देम टुगेदर बाय इंटीमेटिंग द नोट ऑफ द, फिर से पहले के समान उसने उनकी आवाजें निकाली और वो झुंड इकट्ठा हो गया. फ्लंग द नेट, अपना जाल बिछाया. देन सैड वन कोयल, दे से वेन यू वर एट वर्क लिफ्टिंग द नेट द हेयर ऑफ यूर हेड फेल ऑफ, नाउ इज यूर टाइम लिफ्ट अवे. द सेकेंड अदर रिजॉइंड, वेन यू वर लिफ्टिंग द नेट दे से बोथ यूर विंग्स माउंटेड, नाउ इट्स यूर टाइम लिफ्ट अवे. वाइलेस्ट दे वर ईच इन्वाइटिंग द अदर टू लिफ्ट द नेट द फॉलर हिमसेल्फ लिफ्टेड द नेट. वो एक दूसरे को बोलने लगे पहले तू उठ, पहले तू उड़, जब तक उसको मौका मिल गया और फॉलर उनको उड़ा के ले गया और उनको बेच के अपना गुजारा फिर से करने लगा. तो इससे हमें पता क्या चलता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यूनिटी इज ग्रेट वर्चू, कि जब वो मिलजुल कर रहते थे तो उन्होंने उसका मुकाबला किया, वो अलग अलग बिखर गए, वो उनको फिर से पकड़ ले गया. तो बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर हम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.